मैं हरिंदर कुमार न्यू मुंबा का डिफेंडर है। कबड्डी मेरे गांव में खेलते थे तो मैं बस देखने जाता था कि मेरे घर के पास में ग्राउंड था कबड्डी का, तो उधर खेलते थे तो मैं देखने जाता था। मेरा जो मतलब बताता रहे मेरे चाचा का लड़का वो कबड्डी खेलता था, तो वो कबड्डी खेलता था तो वो आर्मी में जॉब लगी कबड्डी से, तो उसको देख के हमने कबड्डी खेलना शुरू किया। तो देख के कबड्डी खेलना शुरू किया तो गांव में कबड्डी मतलब कभी खेलते 2 दिन खेलते, 4 दिन नहीं खेलते थे। तो जब भी अकेडमी खुली 2013 या 14 में गाजियाबाद में संजीव कौर साहब की और जोगिंदर कौर साहब की, जो हमारे कौर साहब है जोगिंदर कौर साहब आईपीएस के डिप्टी कमांडेंट हैं, तो उनकी अकेडमी खुली तो सब पता लगा। तो घर वालों ने बोला कि भाई कबड्डी अगर तुझे खेलनी है तो गाँव में तो ऐसे ही खेलते हैं, कभी 2 दिन खेलते 2 दिन नहीं खेलते, तो तू उधर अकेडमी में छोड़ते तेरे को कबड्डी खेलनी है तो उधर कबड्डी खेली। वो मेरे साथ ही कबड्डी मतलब अकेडमी, हम दोनों साथ ही भाई हम साथ गए थे, एक मैं भाई साउल और एक मैं और एक मैं भाई सोनू, वो जूनियर नेशनल खेल रहा है, एक मेडल है जूनियर का 2nd मेडल, तो वो भी मतलब ट्रायल दे रहा है फरूख ही, और एक भाई का मेरा जो जयपुर में ऐसा उसका मतलब 2 सीजन से उसमें जयपुर में। घर पे मतलब हमारी ज्वाइंट फैमिली है मेरे, मतलब हम मेरे ताऊ और मेरे चाचा और हम मतलब 3 फैमिली इकट्ठा रहते हैं। हम यू मुंबा की टीम जैसी मुझे मतलब कोई ऐसी टीम लगी नहीं कि जी मुंबा जैसे मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो ये मतलब टीम है अपनी, तो इतना मतलब अच्छे तरीके से मतलब हर पूरी सबके साथ मतलब वो करते हैं, एक मतलब परिवार के साथ जैसे रहते हैं ऐसे सब मिलजुल के रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उम्र के साथ। मतलब 3 सीजन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं खेलूँ आगे तो मुझे उम्र के साथ ही खेले। जो पहला सीजन था वो मुझे मतलब कि नया नया पहली बार में प्रो में आया तो मुझे मतलब इतना पता नहीं था प्रो के बारे में, मतलब जो गेम होती है प्रो से अलग वो बहुत अलग होती है और प्रो में बहुत अलग होता है सब। फिर भी मैं पहला सीजन मेरा मतलब ठीक था, इतना मैं बोलूँ इतना अच्छा सीजन नहीं था मेरा पहला, पर ठीक था। उम्र टीम में मुझे बहुत खुशी थी, मुझे मतलब वो टीम नाम लेके कि उम्र ने मुझे लिया। मन में यही था कि यार मैं चाहता था कि हमारी मतलब ये उम्र टीम मुझे मतलब एफबीएम करे, मुझे मतलब था ऐसा कि हमारी टीम हमें एफबीएम करेगी, पर मुझे जब वो एफबीएम किया तो मुझे बहुत खुशी है कि उम्र टीम ने। वो साहब तो बहुत अच्छे से मतलब हैंडल करते हैं सबको, मतलब एक छोटे भाई की तरह ठीक करते हैं कि भाई गलती कर रहा है तो ऐसे कर रहे, मतलब कि ये नहीं है कि भाई किसी प्लेयर को दबाते हैं, मतलब बहुत प्यार समझाते हैं कि भाई तेरे पास की गलती हो गई तो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। और जो यंग प्लेयर है वो मतलब कोई यंग जद नहीं है, वो सब नेशनल खेले हुए है नेशनल गेम खेले हुए है, तो कोई इतना कोई यंग नहीं है, कुछ है, प्लेयर है यंग पर ज्यादातर सभी खेले हुए है, तो इतना कोई प्रोटेक्टिंग है सच में। बॉन्डिंग है मतलब सुरेंद्र के साथ ही मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, मैं सीजन 3 में भी सुरेंद्र के साथ खेल रहा हूँ। मुझे था कि अगर मैं मतलब कि किसी के साथ खेलूँ तो मुझे था कि मैं सुरेंद्र के साथ ही खेलूँ। पर्सनली कुछ नहीं है, ये टीम गेम है, तो मैं सोचूंगा कि हमारी टीम ऊपर जाए और हम मतलब कि फर्स्ट या सेकंड पे हम रहे मतलब लीग में, मतलब जो हमारा ये कॉन्स्टेबल है इसमें हम फर्स्ट या सेकंड पे रहे और फिर आगे हम अच्छा करेंगे। यही था कि हम नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीते तो वो तो खुशी है ही, पर हम नेशनल्स में हार गए थे प्री क्वार्टर में, तो हमें मेडल बहुत जरूरी था क्योंकि यार कुछ यंग प्लेयर थे उनके लिए भी जॉब के लिए और हमें भी खुद भी, तो ये बहुत जरूरी था कि हमें कुछ मतलब दिखाना था कि भाई यूपी की टीम बहुत अच्छी थी नेशनल में मेरी, तो वहां पे कर नहीं पाई तो नेशनल गेम्स में मेडल आया तो सबको बहुत खुशी हुई। मैं फैंस के लिए ये कहना चाहूंगा कि फैंस जैसे हमें सपोर्ट करते आए ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, और हमें फैंस की बहुत जरूरत है ये ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे।